का स्वागत है एग्जाम प्रिपरेशन के नए वीडियो में। तो चलिए आज के इस वीडियो में आप लोग को बताएंगे पटना वुमेंस कॉलेज एंट्रेंस टेस्ट जो होने वाला है उसका आप लोग को मॉक टेस्ट चलेगा। कुछ क्लासेस मैंने लिया था, बीच में आप लोग को रोक दिया था कुछ टेक्निकल इशू की वजह से, सेट प्रैक्टिस नहीं करवा रहा था। तो फाइनली आज से आप लोग को लगातार 10 से 15 दिन आप लोग को मॉक टेस्ट चलेगा, जिसके तहत आप लोगों का प्रिपरेशन अच्छा हो जाए, क्योंकि प्रत्येक साल के बाद इस साल भी आप लोग का सिलेक्शन 100% देने वाले हैं। ठीक है, तो ये शुरुआत करते बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए आप लोग को रीजनिंग से शुरुआत करते हैं। रीजनिंग में आप लोग का बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को PWC एंट्रेंस टेस्ट में पूछे जाएंगे, उसके रिगार्डिंग आप लोगों को मैं बताएंगे। ठीक है, तो आइए इस टेस्ट को शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से पहले आप लोग को बता दें कि अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बगल में होगा बेल आइकन उसको ऑल पे प्रेस करें, ताकि जब भी मैं आप लोग इस तरह का प्रिपरेशन कराएं तो आप लोग का वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो रीजनिंग का आप लोग देखेंगे यहाँ पे प्रश्न, तो पहला आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे क्वेश्चन, ये आप लोग का प्रश्न आपके एग्ज़ाम में देखने को नहीं मिलेगा, इसीलिए मैं आप लोगों को ये वाला आप लोग को नहीं बताऊँगा। अगर आप लोग इच्छुक हैं तो मैं क्या करता हूँ इसको बता देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले बता दें यहाँ पे आप लोग को बोला गया है कि आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ द फ्लोइंग लेटर नंबर सिक्वेंस। जो आप लोग का लेटर नंबर सिक्वेंस दिया गया है E7GBDM4N KH2A CZ S V3F I JK O Q5 PR। इसमें आप लोग को बोला गया है ऊपर जो डिजिट दिया गया है उसके अनुसार आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, जो हिंदी मीडियम वाले होंगे तो हिंदी में आप लोग समझिएगा, हिंदी में भी मैं आप लोग को एलोबरेट करके बता दूंगा। ठीक है, बोल रहा है प्रश्न, इफ एवरी अल्टरनेट लेटर नंबर इज ड्रॉप स्टार्टिंग फ्रॉम ई ऑनवर्ड्स विच लेटर नंबर विल बी सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ द 10th लेटर नंबर फ्रॉम योर लेफ्ट। यहाँ पे आप लोग सिटिंग अरेंजमेंट के रिगार्डिंग है, तो आप लोग इस तरह का प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आप लोगों के लिए। तो देखिए, सबसे पहले जो सिटिंग अरेंजमेंट का जो रीजनिंग होता है वह रीजनिंग आप लोगों कहाँ से शुरू होगा, तो आप लोग यहाँ से जब भी देखिएगा जहाँ से लेफ्ट और राइट शुरू रहेगा ना, वहीं से आप लोग सिटिंग अरेंजमेंट करना शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया इफ़ एवरी अल्टरनेट लेटर, यानी कि जो भी लेटर है वह क्या अल्टरनेट है, एक छोड़ के अगला है, एक छोड़ के अगला आप लोग को दिया गया, सब ड्रॉप स्टार्टिंग से आप लोग को, एक को छोड़ के अगला का आप लोग को शुरू है, और जो ई ऑन वर्ड्स जो ई वर्ड है, जो अल्फा ई वर्ड है वो क्या ऑन वर्ड है। उसके बाद बोल रहा है विच लेटर नंबर विल बी सेकेंड टू लेफ्ट एंड द 10th लेटर, यानी कि बोल रहा है कि जो सेकेंड जो लेटर है उसका 10th लेटर कौन सा होगा, तो नंबर फ्रॉम योर लेफ्ट, यानी कि जो नंबर आएगा वो आपके लेफ्ट, यानी कि जो बाया साइड से वो कौन सा नंबर होगा। यही प्रश्न आप लोग को पूरा बोला गया है, तो बात को हम लोग इसको समझेंगे। ठीक है, जैसे प्रश्न आप लोग को बोला गया है उसके अनुसार हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग को यहाँ पे दिया गया है ई ऑन वर्ड है, तो ई को हम लोग क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे 7, उसके बाद बी, उसके बाद क्या आएगा आप लोग का यहाँ पे एम, उसके बाद एन, उसके बाद क्या आ जाएगा आप लोग का एच हो जाएगा, उसके बाद ए आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा आप लोग का जेड, उसके बाद कौन सा आ जाएगा भी होगा, उसके बाद आप लोग क्या आ जाएगा एफ, उसके बाद जे, उसके बाद क्या आएगा आप लोग का ओ 5 R, यही डिजिट आएगा। उसके बाद आप लोग को बोल रहा है सेकेंड टर्म टू द लेफ्ट ऑफ द 10th टर्म इज कौन सा होगा, तो 10th टर्म कौन सा आप लोग का आएगा, देख लीजिए यहाँ से 10th टर्म ऑफ द लेफ्ट टू द 10th काउंट करके देख लीजिए यहाँ पे कौन सा आएगा, दसवा कौन सा है गिन के देख लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 भी आ रहा है आप लोगों का यहाँ पे। इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा आप लोगों का, ऑप्शन आप लोगों का ए हो जाएगा। ठीक है, पहला का ऑप्शन आप लोगों का ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है आप लोगों को, ठीक है ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है यहाँ पे इफ इट इज पॉसिबल टू मेक अ मीनिंगफुल वर्ड विथ द 1st, 12th, 15th, and 21st लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग लेटर विल बी द 1st लेटर ऑफ दैट वर्ड इफ नो सच वर्ड कैन बी मेड, गिव एक्स एज द आंसर एंड मोर देन वन सच वर्ड कैन बी मेड गिवन एम एज द आंसर। यहाँ पर बोल रहा है आप लोगों को सेम है सिटिंग अरेंजमेंट वाला है, तो सिटिंग अरेंजमेंट वाला में कुछ नहीं करना है आप लोग, जहाँ से लेफ्ट एंड राइट वाला जो शुरू होता है ना वहीं से शुरू करेंगे। ठीक है,
तो सबसे पहले आप लोग ध्यान से देखेंगे, इफ़ द पॉसिबल ऑफ टू मेक मीनिंगफुल वर्ड विद द फर्स्ट द 12, तो 12 वाला पूछ रहा है यहाँ पे, तो फर्स्ट 12, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, क्या करने वाला है, सबसे पहले 12, 15th एंड द 21st लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से आप लोगों को चूज़ करा, तो फर्स्ट आप लोग क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिएगा, फर्स्ट बोला तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आप लोग ई हो जाएगा, उसके बाद 20 बोल रहा है, लेफ्ट से पूछ रहा है, ठीक है, राइट से नहीं, 20 कितना हो जाएगा आप लोग को, ए हो जाएगा, उसके बाद 15 बोल रहा है, घटा लीजिएगा 27 में से 15 घटाएंगे कितना होगा, 7 में से 5 गया 2 में से गया 12, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, उसके बाद आप लोग को बोल रहा है 21st कितना हो जाएगा आप लोग का एल, तब इसका जो करेक्ट आंसर की बात करें, जो मीनिंगफुल वर्ड बनेगा वह क्या बनेगा, सेल, SEAL एंड SAL बनेगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आप लोग का ऑप्शन बी होना चाहिए, ऑप्शन आप लोग का एम होगा, ऑप्शन एम आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। चलिए तीन नंबर देखेंगे, तीन नंबर क्या बोल रहा है आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तीन नंबर, तीन नंबर बोल रहा है व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फ्लोइंग सीक्वेंस। सबसे पहले आप लोग सीक्वेंस वाला रहेगा ना, उसमें चेक करेंगे किस प्रकार से सीक्वेंस दिया है। देखिए सबसे पहले आप लोगों को दिया गया है जी डी आर, उसके बाद आप लोगों को इसके बदले क्या दिया गया है आप लोगों को बी एम पी, तो ये देखेंगे कौन से स्थान पर आता है, एच जी, मतलब जी एच यहाँ पर 7 आता है, ये 4 नंबर पर आता है, या आर है ना 18 पर, ये कितना पर आता है 2, ये 13 पे और ये 16 पे, तब देख सकते हैं कितने कितने का अंतर पर है, उसके अनुसार आप लोगों को क्या करना होगा, आंसर चूज़ करना होगा। तो सबसे पहले आप लोग देखेंगे जी, ठीक है जी है, उसके बाद यहाँ पे आप लोग को डी आया हुआ है, तो इसमें कितना इंक्रीमेंट है आप लोग का, जी और डी और आर है, ठीक है, लास्ट में आर आप लोग को दिया गया है, उसके बाद आप लोग नीचे में कितना दिया गया है देख सकते हैं, साफ साफ आप लोगों को दिया गया है यहाँ पे कितना है, 5 का अंतर है, यहाँ पे कितना का अंतर है, 13, 9, 4, 13, उसके बाद यहाँ पे 2 का अंतर है, ठीक है, तो इसके अनुसार अगर हम लोग निकालने जाएंगे तो कितना हो जाएगा आप लोगों का, 2, 2+2, 2 का जाएगा यहाँ पे अंतर में, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग हो जाएगा ऑप्शन बी MNQ, ऑप्शन आप लोग का बी हो जाएगा 3। चलिए आप लोग का मॉक टेस्ट है तो मैं क्या करूँगा, फटाफट आप लोग को बताता चल जाऊँगा, ठीक है, तो टाइम वेस्ट आप लोग को ज़्यादा नहीं करेंगे। चलिए 4 नंबर बोला जा रहा है आप लोग, 4 नंबर भी आप लोग का, 4 नंबर आप लोग से क्या बोल रहा है यहाँ पे देखेंगे, 4 नंबर बोल रहा है द लेटर्स नंबर ओनली फ्रॉम एम टू एल आर रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर एंड द अदर लेटर्स नंबर आर केप्ट unalterated, which letter number will be third to the right of 17th letter number from your right। sitting arrangement वाला है तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पे नंबर लिखना होगा, M से लेकर कहाँ तक, L तक नंबर लिख लेंगे, ठीक है, उसके अनुसार आप लोग क्या कर लेंगे, इसको बना लेंगे, तो अगर 4 के अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो 4 का आप लोग करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, Z हो जाएगा, ठीक है, आप लोग इसको क्या कीजिएगा, बना लीजिएगा, क्योंकि मॉक टेस्ट में है तो मैं आप लोग कितना समझाऊँगा यहाँ पर, ठीक है। 5 नंबर देखेंगे, 5 नंबर भी आप लोगों का सिटिंग अरेंजमेंट है, इफ एवरी थर्ड लेटर नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम योर राइट विल रिप्लेसेस सक्सेसिव डे ऑफ द वीक स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे विच लेटर नंबर फ्रॉम रिप्लेस थर्सडे, तो इसका क्या आ जाएगा आप लोग का करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर आप लोग का ऑप्शन बी हो जाएगा, एस संडे हो जाएगा, ऑप्शन बी आप लोग का सही होगा, ठीक है। 6 नंबर देखेंगे, 6 नंबर क्या बोल रहे हैं आप लोग, बबलू रैंक 16 फ्रॉम द टॉप ऑफ टॉप and 29th from the bottom among those who passed an examination 6 boys did not participate in the competition and 5 failed in the examination how many boys were there in the class। तो बहुत ही सिंपल आप लोग का प्रश्न है, आप लोग बोल रहा है टॉप 15 है ना, तो टॉप 15 यहाँ पे देखेंगे, टॉप 15 है, आप लोग एक झलक देख लेंगे फटाफट में बना दूंगा यहाँ पे, ठीक है, टॉप 15 है, टॉप 15 में आप लोग कौन कौन आया, बबलू, उसके बाद कौन है आप लोग का टॉप 15 में, बबलू है, ठीक है, उसके बाद 28 बॉटम, 28 को आप लोग का क्या दिया गया है यहाँ पे,
बॉटम दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो टोटल स्टूडेंट की बात करें, नो पास स्टूडेंट आप लोग कितना हो जाएगा, 28 प्लस 15, कितना हो जाएगा 28 प्लस 15 प्लस एगो बबलू क्या करता है, पास करता है, टोटल कितना हो गया यहाँ पे 44। और टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ कितना हो जाएगा, तो 44 प्लस 6 प्लस 5 आपको ऑलरेडी दिया गया है, तो आप लोग जोड़ लीजिएगा कितना है 55। यहाँ पर करेक्ट आंसर आप लोग क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं कौन सा नंबर आप लोग क्वेश्चन हो जाएगा, 6 नंबर, 6 नंबर कहाँ गया यार, 6 नंबर हो गया, 7 नंबर ना, चलिए 7 नंबर देखते हैं, 7 नंबर क्या बोल रहे हैं आप लोग को, डायरेक्शन वाला है, डायरेक्शन वाला बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है, आप लोग देखेंगे फटाफट। डायरेक्शन है, राम स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड साउथ फ्रॉम हिज होम, ही मूव्ड 12 मीटर स्ट्रेट एंड टुक अ राइट टर्न, ही मूव्ड 5 किलोमीटर स्ट्रेट एंड अगेन टुक अ राइट टर्न एंड मूव अनदर 24 मिनट, हाउ फार इज फ्रॉम हिज होम। यहाँ से आप लोग डायरेक्शन बोल, राम स्टार्टिंग करता है अपना दक्षिण की ओर से शुरू करता है यात्रा, वह मूव करता है अपने घर की ओर कितना, 12 किलोमीटर। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं आप लोग का, सबसे पहला स्टार्टिंग पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, मान ले का स्टार्टिंग पॉइंट ए रहा, तो वो दक्षिण की ओर गया, तो दक्षिण किधर होता है, नीचे होता है, दक्षिण की ओर बढ़ा, दक्षिण की ओर बढ़ा कितना किलोमीटर जाता है घर की ओर, 12 मीटर। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को क्या करता है, स्ट्रेट चलता है, स्ट्रेट चलने के बाद वो क्या करता है, राइट मुड़ जाता है, राइट मुड़ने के बाद इधर जाएगा, राइट मुड़ जाता है कितना किलोमीटर चलेगा, 5 मीटर चलता है। फिर है उसके बाद आप लोगों को क्या करता है, मूव एंड द राइट टर्न एंड मूव और 24 मीटर, फिर से राइट मुड़ता है और कितना किलोमीटर जाता है, वह 24 किलोमीटर जाता है। चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, 24 मीटर चला देते हैं। ठीक है, अब यहाँ सब पूछ रहा है कि वह स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूरी पर, तो मैं ये रहा स्टार्टिंग पॉइंट आप लोगों का, यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछ रहा है। ठीक है, जब ये 12 किलोमीटर, ये भी क्या हो जाएगा, 12 किलोमीटर होगा। ठीक है, कोनो डाउट इसमें नहीं, तो इसका अगर बनाने की बात करें तो इसका कैसे बनेगा, तो देखिए आप लोग बना के दिखाते हैं कैसे बनेगा यहाँ पे। बस बहुत ही सिंपल तरीका से इसको बना देना है, जो पाइथागोरस का फार्मूला आप लोग जानते हैं ना, बस पाइथागोरस को बिठा देना, तो कितना हो जाएगा, 5 के स्क्वायर प्लस 12 के स्क्वायर, 25, 144, 169, और कितना, 169 किसका वर्गमूल होता है, 13 का, तो टोटल इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 13 आंसर हो जाएगा, 13 मीटर वो अपने घर से दूरी पर है, यानी कि 7 का B। देखिए 8 का है, आप लोग फटाफट करते जाएंगे, 8 का है क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, मंदार स्टार्टेड मूविंग टूवर्ड्स वेस्ट फ्रॉम हिज होम एंड टुक अ राइट टर्न आफ्टर मूविंग 15 मीटर स्टार्टिंग देन स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट देन ही यंगेस्ट मूव 22 मीटर स्ट्रेट एंड टुक ही राइट टर्न ही टुक 3 मोर राइट टर्न्स एंड आफ्टर कैन यू टेल द डायरेक्शन इज ट्रैवलिंग इन द रिस्पेक्ट टू हिज जोन। बस आप लोग को डायरेक्शन में क्या करना है, बस दिशा निर्देश देखते जा रहा है उसको बनाते जाएंगे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए हम लोग क्या करेंगे, फटाफट आंसर की ओर बढ़ेंगे, जो बनाना लायक रहेगा मैं क्या करूँगा बना दूंगा, जो बनाना लायक नहीं रहेगा उसको मैं स्किप करता जाऊंगा। ठीक है, दो में से दो सेम रहता है तो उसमें से एक बना दूंगा, आप दूसरे का आपको बनाना होगा। चलिए 9 नंबर बढ़ेंगे, 9 नंबर क्या बोल रहे हैं आप लोग को यहाँ पे, 6, 9, 14, 21, 30। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर की बात करें, सीक्वेंस कैसा है, सीक्वेंस पकड़ेंगे, सीक्वेंस में क्या है, 9, 6 है, तो 3, 6, 3, 5, 14, 14 कितना हो जाएगा, 7, उसके बाद 9, इसी ऑर्डर में है, तो अगर इसका हम लोग निकालने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका टर्म हो जाएगा कितना, 1x² + 5 टर्म, क्या कि सीरीज में है आप लोगों का, तो वहाँ पे 1 और 2 रहेगा, वहाँ पे चला जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर 9 का क्या हो जाएगा आप लोग का, डी ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए 10 नंबर आप लोग क्या कीजिएगा, इसको बना लीजिएगा, 10 बहुत ही आसान है, 10 उसी की तरह है, तो 10 का आप लोग करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 10 का आप लोग का सी 126 होगा। चलिए 11 नंबर ये सब आप लोग को नहीं बनाना है, 11 नंबर ये सब आपका
नहीं है, 12 नंबर भी आप लोग का नहीं है, 13 नंबर भी नहीं बनाना है आपको, 14 नंबर स्टेटमेंट वाला है, तो स्टेटमेंट वाला देखने को मिल जाता है कभी कभी, ठीक है। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, उसको आप लोग देख लीजिएगा एक बार, वैसे आप लोग एग्ज़ाम में देखने को नहीं मिलेगा। अब चलिए आगे बढ़ते, जो जो इम्पोर्टेंट है वही आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए अगला है आप लोग का यहाँ पे कौन सा, 17-18 नंबर है ना, यहाँ पे ब्लड रिलेशन वाला, तो ब्लड रिलेशन वाला तो आप लोगों से पूछने को मिलेगा ही मिलेगा, तो इसको क्या करेंगे पढ़ेंगे। हेमा हुइज साहिल, साहिल्स डॉक्टर सेज अंजलि, योर मदर रेखा इज द यंगर सिस्टर ऑफ माई फादर, हु इज द थर्ड चाइल्ड ऑफ कैप्टन राठौर, हाउ इज कैप्टन राठौर रिलेटेड टू अंजलि, ठीक है। तो किस तरह से रिलेटेड है, तो ये इसका बहुत ही सिंपल है, आप लोग इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ग्रैंड फादर। ऑप्शन आप लोग का कौन सा हो जाएगा, 16 का आप लोग का बी हो जाएगा, ग्रैंड फादर हो जाएगा 16 का बी। चलिए 17 का देखते हैं, 17 नंबर क्या बोल रहा है, 17 बोल रहा है मोहन से, दिस गर्ल इज द वाइफ ऑफ द गार्डन ग्रैंड सन ऑफ माई मदर, वाट इज मोहन टू द गर्ल, यानी कि एक मोहन जो है वह इशारा कर रहा है गर्ल को, वह क्या है, वाइफ ऑफ ग्रैंड सन, ठीक है, ग्रैंड सन की वह क्या है वाइफ, तो उसके मदर के साथ क्या संबंध है उस गर्ल का मोहन के साथ, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन आप लोग का यहाँ पे सी हो जाएगा, फादर इन लॉ, ऑप्शन सी। 18 नंबर देखेंगे, 18 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को बस देखना है कौन से अंतर पे बढ़ाया और ए वाला अंतर किस पे आएगा, ठीक है। तो 18 का करेक्ट आंसर की बात करें तो 18 का आप लोगों का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। 19 नंबर देखेंगे, 19 नंबर आप लोग का कोई खास नहीं, 19 नंबर का करेक्ट आंसर की बात करें तो 19 नंबर का क्या हो जाएगा आप लोगों का देखेंगे, तो फटाफट आप लोग आंसर देख लेंगे, तो 19 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग एक बार कोशिश करके देखिए, 19 का अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो 19 का आप लोगों का क्या होना चाहिए, मेरे ख्याल से सी होना चाहिए। चलिए 20 नंबर किधर गया, 20 नंबर इधर होगा, 20 नंबर आप लोग का स्टेटमेंट वाला, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है आप लोग को 20 का, बहुत ही सिंपल है आप लोग का, देखिए स्टेटमेंट जैसा बोलेगा वैसे बनाते चल जाना है, तो 20 का आप लोग करेक्ट आंसर क्या होगा, 20 का आप लोग का होना चाहिए, 20 का आप लोग का डी होना चाहिए, ये वाला होना चाहिए, इफ नाइदर कंक्लूजन आई नॉर फॉलो। 21 नंबर देखेंगे, 21 नंबर भी आप लोग उसी प्रकार से है, 21 नंबर भी आप लोग को वैसा ही है, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं देंगे, 21 नंबर में भी आप लोग को डायग्राम ही बनाना है। 21 नंबर बोल रहा है ऑल पिट्स आर लीडर्स, नो लीडर्स इज वाइज, नो पिट इज वाइज, तो देखिए यहाँ पे बोला सबसे पहले एक गोला बना लेंगे, ठीक, गोला हो गया, इसमें बोल रहा है ऑल पिट्स आर लीडर, तो ऑल पिट्स आर लीडर यहाँ पे एगो बना लेते हैं हम लोग, कैची बना लेंगे, इसमें बना लेते हैं पिट्स, ये पिट्स हो गया, एक यहाँ लीडर हो गया, पूरा का ये लीडर है, तो पूछ रहा है जो वाइज है वह कैसा होगा, ठीक है बुद्धिमान, तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए आपके अनुसार, बाय 21 का आपके अनुसार क्या आंसर होना चाहिए बताइए, 21 का आंसर आप लोग के अनुसार क्या होना चाहिए, आप लोग तो पढ़ के आए हो एक बार, देखो 25 का आंसर जल्दी से, सॉरी 25 का नहीं 21 का, 21 का करेक्ट आंसर की बात करें तो 21 का आप लोग का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, ऊपर में कंक्लूजन दिया गया है 21 का ए। चलिए 22 नंबर देखेंगे, 22 का फटाफट, 22 भी स्टेटमेंट है तो स्टेटमेंट पढ़ना है और आप लोग को जवाब देना है, 22 का आप लोग करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ही, इसका भी डी होगा, 22 का डी। 29 रेस्टोरेंट, 23 नंबर देखेंगे, 23 नंबर हो गया स्टूडेंट ऑल काउज आर पेट, ठीक है सर, 23 नंबर में आप लोग हो जाएगा, 23 का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, 23 का डी होगा। 24 देखेंगे, 24 आप लोगों से नहीं पूछा जाता है और नहीं बताएंगे हम आप लोगों को, यहाँ पे देखेंगे 25 नंबर आप लोगों से पूछा है कि नहीं पूछा है,
नहीं पूछा है। ठीक है, तो यही था आप लोगों का आज का रीजनिंग क्लास। तो चलिए आप लोगों से मिलेंगे ऐसे ही अपडेट के साथ नेक्स्ट। अगर आप लोग का आज का मॉक टेस्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा।